बेटे पे कितना नाज करती है, उसे पाल पोस के बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है, लेकिन वही बेटा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, कैसे माँ बाप को ठोकर मारता है, और इसी दुख से माँ की भक्तनी माँ से क्या विनती करती है, सुनिएगा जरा। बेटी माँ का सहारा होती है, लेकिन बेटी भी कब तक साथ निभाएगी, उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ेगा। लेकिन ससुराल जाने के बाद बेटी इतनी मजबूर हो जाती है कि अपनी माँ से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता, और इसी दुख को लेकर माँ की भक्तनी माँ से क्या विनती करती है, सुनिएगा जरा। सपना होता है कि वो अपने बेटे की धूमधाम से शादी करके एक सुंदर सी बहू लेके आए और फिर उससे अपनी सेवा करवाए, लेकिन थोड़े ही दिन बाद सास बहू की अनबन शुरू हो जाती है, और इसी दुख को लेकर माँ की भक्तनी माँ से क्या विनती करती है, सुनिएगा जरा। जीवन में इतना कमाता है कि वो पैसा कमाने के चक्कर में अपने सभी रिश्तों को भूल जाता है, लेकिन वो ये तक भूल जाता है कि जो धन माया आज तक उसने जोड़ के रखी है वो उसके काम नहीं आएगी। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, तो इसी को लेकर क्या लिखा है, सुनिएगा जरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी
मेरे प्यारे भक्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो मेहनत करके एक सुंदर सा घर बनाए और उसमें वो ऐसो आराम से रहे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब बुढ़ापा आएगा तो उसकी खटिया को एक कोने में डाल दिया जाएगा। और इसी दुख को लेकर एक भक्तनी माँ से क्या विनती करती है, सुनिएगा जरा। की भक्तनी अंत में माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आता है, लेकिन मेरा बुढ़ापा कुछ ऐसा हो कि सुबह शाम मुख में बस तेरा ही नाम हो। और क्या कह दिया, सुनिएगा जरा।